सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से हम डेटा स्ट्रक्चर की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पुरानी हमारी सीरीज थी इसको मैं वहीं पे स्टॉप करूंगा, क्योंकि वहां पे अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। यहां पे हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को पिक करेंगे और उस टॉपिक के बारे में डिटेल में यहाँ पे वॉक थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर विद फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। अभी भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली क्वेरी ये होती है कि वो सब्जेक्ट है क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को मैंने अगर हम वर्बली देखें, अगर हम यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिकली देखें कि जो वर्ड्स का मीनिंग है, जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलें, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है डेटा और दूसरा वर्ड है स्ट्रक्चर। इन दोनों वर्ड को जब कंबाइन किया जाता है तो डेटा स्ट्रक्चर एक कंप्लीट वर्ड बनता है। अब यहाँ पे डेटा क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि डेटा होता क्या है। डेटा इज बेसिकली रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। रॉ मीन्स ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट जो कच्चे हैं, जिनका एज सच अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, जो अपने आप में कोई भी मीनिंग लिए हुए नहीं होते हैं। अनऑर्गेनाइज मीन्स जो बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से आपके पास रखे हुए हैं, और फैक्ट का मतलब तथ्य। तो अगर लेट सपोज मैं बात करूं, अगर मैं एक वर्ड यहां पे लिखूं NILA नीला, तो इस वर्ड का इंग्लिश डिक्शनरी में एज सच या हमारी बोलचाल की भाषा में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पे NILA का कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये रॉ है, कच्चा है, क्योंकि इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। दूसरा, ये असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड, अभी तक ये ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। तीसरा, ये एक तथ्य तो है मगर इस तथ्य का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर दें तरीके से और इन जो इसमें जितने भी अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उनको हम रीअरेंज कर लें तो हमारा एक वर्ड बनेगा अनिल। तो यहाँ पे देखिए अनिल नाम का एक वर्ड बन गया। तो ये क्या है, ये दर्शा रहा है कि ये किसी व्यक्ति या पुरुष का नाम हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट जो रॉ है, कच्चा है और अनऑर्गेनाइज है, अव्यवस्थित है, तो उसको हम बोलेंगे डेटा। इसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, मींस व्यवस्थित तरीके से अपने फैक्ट्स को हम अरेंज करें। तो जब यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। तो बहुत सिंपल सी चीज है, दोज डेटा विच आर ऑर्गेनाइज्ड आर कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। द प्रोसेस मींस ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन वाइज बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर। इट इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर मतलब एक तरीका जिसके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से किसी डेटा को व्यवस्थित करना ही डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है, ताकि ये डेटा किसी हमारे काम के लिए यूज में आ सके, दैट कैन बी यूज इफेक्टिवली। तो यही है डेटा स्ट्रक्चर का मतलब। इन जनरल अगर हम देखें, हम बैंक्स में जाते हैं वहां पे लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध होती है। तो लॉकर्स में क्या होता है, वहां पे बैंक के कर्मचारी लॉकर्स में नंबरिंग करते हैं। ठीक है, लॉकर्स में नंबरिंग करके उनको जो आप बैंक के कस्टमर हैं उनके साथ अलाइन करते हैं। मींस कस्टमर को या जो भी ग्राहक हैं उनको वो नंबर प्रोवाइड करके एक तरीके से वहां पे सूचीबद्ध किए होते हैं। तो यही तरीका, इसी तरीके के थ्रू बैंक क्या कर रहा है, अपने लॉकर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर वो लॉकर अव्यवस्थित तरीके से पड़े हैं, उनमें कोई नंबरिंग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड।
अगर वो नंबर वाइज सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं तो उसी को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड डेटा या ऑर्गेनाइज्ड लॉकर्स। वही कॉन्सेप्ट आपके कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में अगर आप सिंपली डेटा पुश किए जा रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, अगर वो डेटा आपको अपने अगर आपको डेटा उस डेटा को फर्दर यूज करना है कहीं पे किसी जगह पे आपको उसको यूज में लाना है, और अगर आप उसे यूज नहीं कर पा रहे तो उस डेटा का एज सच कोई भी यूज नहीं। तो डेटा को यूज करने के लिए पहले हमें उसे सूचीबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यही तरीका है डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है एक सिंपल एरे। कंप्यूटर की भाषा में हम उसे एरे बोलते हैं। आप एक सिंपल लाइन या क्यू बोल सकते हैं। आपके पास एक लाइन है, उस लाइन में आप वन बाय वन आपने क्या किया अपने डेटा को खड़ा करके रख दिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं देख सकते हैं एक आपके पास एरे है, यहाँ पे आपने डेटा यू, एक आपका लेटर था यू, देन बी, देन एफ, देन डी, देन ए, देन ई, देन सी, ये सारे के सारे जो अल्फाबेट है आपने उनको वन बाय वन पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस जो डेटा का है कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी अगर आप इस डेटा को यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका क्या है, इनको आप एरे से वन बाय वन पिक करें। तो एरे क्या है, एरे आपके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया जो क्या कर रहा है, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख रहा है ताकि इनकी प्रोसेसिंग की जा सके। प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है, लेट सपोज अगर इन वर्ड से जो इन अल्फाबेट हैं इनसे कोई वर्ड बनाना है तो आप वर्ड बना सकते हैं बी ई डी, बेड जो आपका बिस्तर होता है। सेकेंड वर्ड आपका बन सकता है बी ए डी, बैड मतलब बुरा। तो ऐसे ही आप मल्टीपल मीनिंग्स इन डेटा से निकाल सकते हैं और उनका फर्दर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना होता है। मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्या होती है, जैसे आप अपना घर देखते हैं, आप कहीं पर रहते हैं तो उस घर का एक एड्रेस होता है। मींस एक तो चीज होती है कि आप उसे एक एड्रेस से नोट करते हैं, दूसरा जो आपका घर बना होगा वो घर किसी जमीन पे बना होगा तो वो जमीन क्या है, वो वास्तविक वास्तविक उसकी लोकेशन है। ठीक है, जमीन को हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, अगर हम सॉरी एल्टीट्यूड बोल रहा हूँ, लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उससे भी हम फिजिकल लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके देशांतर और देशांश और अक्षांश होते हैं उनकी मदद से भी आप अपने घर की लोकेशन, घर की फिजिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इतने बीघा जमीन है यूपी में और यहाँ पे है, सिर्फ मैं बोलूँ कि मैं ये बोलूँ कि यूपी में मिर्ज़ापुर में मेरे पास इतने बीघा जमीन है, तो ऐसे कोई भी नहीं समझ पाएगा। आपको एक प्रॉपर एड्रेस, एक एड्रेस मीन्स उस जगह को डिनोट करने का तरीका आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जमीन क्या है, जमीन आपकी मेमोरी लोकेशन, मीन्स कंप्यूटर में एक्चुअली आपके किस एड्रेस पे आपका डेटा स्टोर है वो आपका क्या है, मेमोरी लोकेशन। और उस मेमोरी लोकेशन को यूज करने के लिए या एक्सेस करने के लिए जिन इंडेक्सेस, जिस तरीके का आप यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो ये है आपका एड्रेस, ये है आपका एड्रेस, और मेमोरी लोकेशन है आपका एक्चुअल लोकेशन, उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो है आप और आपका सामान। ठीक है, आपने जो घर बनाया उसमें घर के अंदर जो सामान है वो आपका डेटा है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन योर कंप्यूटर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बहुत सिंपल एक हमने वे में आपको यहाँ पे बता दिया है। मेमोरी लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा और इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये आपका था टॉपिक वन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम आप क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली कोई क्वेरी पूछनी है तो आप अपनी हमारी जीमेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, और लगातार पढ़ते रहिए।